पुराण में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। आप कार्तिक के महीने की ये सुंदर कथा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, दीपावली महापर्व को जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं, एक सुंदर चरित्र आता है। कांचीपुरम में एक चक्रवर्ती, कांचीपुरम में चक्रवर्ती राजा चोल राजा रहते थे। बड़ा अच्छा राजा था, सबके प्रति समर्पण का भाव है, सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, सबका सत्कार करना, सबको अच्छा देना, सबका अच्छी व्यवस्था करना, सबके प्रति समर्पण का भाव रखते और होना भी चाहिए। राजा का एक अधिकार है कि अपने क्षेत्र में जिस स्थान का, जिस क्षेत्र का राजा है, उस क्षेत्र में धर्म का प्रचार हो, ये राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अपने क्षेत्र में धर्म का ध्वज लहराता रहे, ये राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अब शास्त्र कह रहा है, चरित्र कह रहा है, महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है, शिव चर्चा कर रही है। एक सुंदर आनंद से कांचीपुर में चोल राजा रहते थे और चक्रवर्ती चोल राजा वहां निवास करते थे, जो आज भी चोल राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जिस नगर में रहता, बड़े आनंद से शिवालयों की पूजन कराना, धर्म का कार्य करना, सत्कर्म करना, भगवत भजन करना, नाम स्मरण करना, नाम उच्चारण करना और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण की बात करना, चोल राजा का निवास। चोल राजा नारायण भगवान के भी उपासक थे और चोल राजा शिव के भी उपासक। ऐसा ही उस एक राज्य में, उस राज्य के अंतर्गत जैसे चोल राजा भगवान नारायण की आराधना करते हैं, जैसे चोल राजा भगवान शिव की आराधना करते हैं, वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णुदास, जिसका नाम विष्णुदास था, विष्णुदास जिसका नाम, और वो भी भगवान शिव की आराधना करने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़नी जावांगी, भोले मैं तेरी कथन, शंभू मैं तेरी कथन। चोल राजा शिव की और नारायण की आराधना में लग जाता, तो भगवान एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम था विष्णुदास, विष्णुदास वो भी भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, शिव स्तुति में डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता, शिव तत्व में डूबा रहता। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाना और दिन प्रति भगवान शिव के नाम का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता। एक बार चोल राजा भगवान शंकर के मंदिर में आए और शिवजी के मंदिर में आकर, नारायण के मंदिर में आकर उन्होंने ढेर सारे हीरे जवाहरात मोती माणिक सब चढ़ा, सब कुछ समर्पित कर दिया। माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं सनातन धर्म में, ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। 31 अक्टूबर को जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहां पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर दो दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा कर, चौक पूर कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस वापिस रखिए। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसी ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु चावल रोली मोली हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो दो दिन से आप करते हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जला, अखंड दीप माता लक्ष्मी का जला। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा, जम के बोलो, तेल का लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा, घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहे ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े, पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना। हल्दी और कुंकू माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर झोली पसार कर प्रणाम करना है। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें लक्ष्मी पूजन का, बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना, अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा, 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करें, और धीमा बजाओ भोला नाथ डमरू, धीमा बजाओ भोला नाथ।
बाबा से प्रार्थना। ये तो पवित्र भूमि है, कुमरेश्वर धाम की तरह जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर जहां आप बैठे हो वहीं पर आराम से बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ कहो। दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक का महीना, और सुंदर 3 दिवसीय शिव चर्चा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठ कर आपको ये कहने का मौका मिल रहा है, अपने हृदय की बात बाबा को सुनाने का मौका मिल रहा है। दिल से कहिए बाबा से प्रार्थना। भगवान देव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। भगवान शिव गर्दानी त्रिकाल दर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव अपने हृदय की बात भगवान शंकर से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, बाबा श्रवण करिए। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से 3 दिन शिव चर्चा में अपन लगे। चोल राजा शिव मंदिर भी जाता है और नारायण के मंदिर भी जाता है। विष्णु दास नाम का ब्राह्मण भी भगवान की सेवा में लगा। अब दोनों में एक अंतर है बड़ा भारी। चोल राजा माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना भगवान को समर्पित कर रहा, और विष्णुदास के पास में कुछ है नहीं। मंदिर में झाड़ू लगा देना, बुहारी लगा देना, शिवालय में जाकर शंकर जी को जल चढ़ा देना, नारायण के चरणों में जाकर तुलसी दल समर्पित। कार्तिक का महीना हो, दामोदर मास हो, प्रयास करो तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित करो। एक दीपदान तुलसी के
पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है। अब तुम्हारी सास बेटी हो कुर्सी पर, उसकी साड़ी के पास में दिया धर दो, अच्छा लगेगा? बोलो जम के बोलो, जरा नहीं लगे। क्या कहेगी वो, मुझे जलाएगी क्या, मुझ में आग लगाएगी क्या? थोड़ा दूरी रखिए। दीपावली पर दिए जलाते हैं, हम दीपावली पर अगरबत्ती जलाते हैं, हम दीपावली पर फटाके जलाते हैं, और कुछ जलाना हो तो बताओ। वो तो लोग हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं उनका मन। तो हमने भी कह दिया एक काम करो, तुम्हारे आसपास के जितने तुमसे जलते हैं उनको बुला लो, कुछ जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारा घर देखकर जल के चले जाएगा। क्या जलाओगे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे का वैभव देखकर कभी मत चलो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना मेरे कुबेर भंडारी कि तू हमारे नगर शहर गांव देश प्रदेश और हमारा पूरा भारत देश उन्नति में आगे बढ़ता चले जाए, ऐसी कृपा करो, बाबा से प्रार्थना करो। ये भीतर की प्रार्थना है, अपने भीतर की प्रार्थना। विष्णुदास का नियम था कि अपने नगर में जो शिवालय है, अपने नगर में जो भगवान विष्णु का मंदिर है, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, उसकी अर्चना करना। चोल राजा का नियम था अपने राज्य की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, भगवान के मंदिर में जाकर माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना रोज प्रतिदिन भगवान नारायण के चरणों में और शंकर जी के चरणों में समर्पित करना। धर्म का प्रचार करना एक राजा का उद्देश्य होना चाहिए। अभी हम जब परसों के दिन शाम के समय पर हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जब उनके निजी निवास पर पहुंचे, कुछ बधाइयां देना थी कि संतों के लिए उन्होंने उज्जैन कुंभ के मेले में संतों के लिए, साधुओं के लिए, तपस्वियों के लिए एक सुंदर निर्णय उन्होंने लिया कि यहाँ संत साधु जैसे हरिद्वार में हमेशा रहते हैं, प्रयाग में हमेशा रहते हैं, ऐसे उज्जैन में भी संत साधु अपने अखाड़ों के साथ साल भर हमेशा रहें, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की। हमने उनको बधाई दी उसको। फिर चर्चा चली बैठ कर बहुत देर तक, उस चर्चा में बात निकली तो गौ माता का बात निकली, गौ माता की सेवा पर जब बात निकली तो माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम उसके लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हमने पूछा गौ माता, तो कहे गुरु जी अब की बार ऐसा क्रम चालू करा है कि जितनी सरकारी गौशालाएं हैं, जिन गौशालाओं में सरकार की द्वारा कुछ राशि भी अगर पहुंचती है, ऐसी पवित्र जितनी गौशाला है मध्य प्रदेश की, सारी गौशाला में गोवर्धन पूजन वाले दिन गोवर्धन नाथ जी की पूजन और गाय की पूजन प्रत्येक गौशाला में की जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बहुत बहुत, जो सनातन धर्म की ध्वजा को आप आगे बढ़ा रहे, बहुत बहुत साधुवाद। कि गोवर्धन पूजन वाले दिन, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजन के दिन प्रत्येक मध्य प्रदेश की जितनी गौशालाएं, जितनी सरकारी गौशालाएं, जहां जहां अनुदान जाता, जिससे
प्रत्येक गौशाला में गौ माता और गोवर्धन की पूजन हो, जिससे सनातन धर्म मजबूत हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए धन्यवाद, बहुत साधुवाद। धर्म की ध्वजता स्थापित होना चाहिए। चोल राजा ने अपने राज्य में संपूर्ण सुख अनुभव करा दिया, संपूर्ण सुख, संपूर्ण सुख। समय बीतता गया, भगवत भजन आगे बढ़ता। अब जो विष्णु दास थे ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण के घर में जन्मे, उनका नियम था शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, और शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय पर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा, हम पूरे साल आपसे नहीं कहते कि आप आंवले को जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में तीन और एक तुलसा महारानी चार, ये चार जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव करा ही देता। दामोदर मास कार्तिक महीने इस जल की बड़ी महत्व है। देव दीपावली पे जब हम कथा का स्मरण करेंगे, ये कथा तो तीन दिवसीय कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, पर इसके बाद में जो फरीदाबाद में कथा है 4 तारीख से 8 तारीख तक 5 दिवस ही है, उस कथा को जब हम 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर फरीदाबाद में जब हम श्रवण करेंगे तो उसमें हम देव दीपावली का पूरा महत्व समझेंगे। इसलिए उस कथा का नाम स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा रखा, कार्तिक के महत्व पर आधारित। 5 दिन देव दीपावली की महत्वता क्या है, कौन कौन से देव है जो दिवाली मनाते हैं, कौन से देवता हैं जो दीपावली के पर्व पर आकर दीपावली की महाउत्सव को मनाते हैं। जैसे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कई सालों से लोग दीपावली की रात्रि को आते हैं, दीप जलाते हैं, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, अपने घर की पूजन कर, जब समय मिल गया बाबा के आकर 11 दीप प्रज्वलित कर दे। 11 दीप जलाने का महत्व कहां से आए, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर शास्त्र वर्णन करता है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं कि जब माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को जब वैभव की जरूरत पड़ी, धन की जरूरत पड़ी, संपदा की जरूरत पड़ी, तो भगवान शंकर की उन्होंने हजारों वर्ष तक आराधना की, हजारों वर्ष तक तप साधना, और भगवान शंकर की आराधना करते हैं, आराधना करते 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 कुबेर को बहुत समय बीत जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत समय बीत जाता है, पर शिव प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। तब भगवान शंकर की आराधना करते करते माता लक्ष्मी ने स्वयं माता ब्रह्माणी से पूछा कि ये शिव प्रकट क्यों नहीं होते, हमें वर क्यों नहीं देते। कुबेर ने पूछा ब्रह्माणी से, हमने इतनी आराधना करी है, शंकर आखिर वर क्यों नहीं देते। तब माता ब्रह्माणी ने कहा कि तुमने केवल शंकर की आराधना करी है पर गौरी शंकर की आराधना नहीं करी है। गौरी पार्वती की अगर आराधना शिव के साथ करी जाए तो निश्चित है शंकर प्रकट होते हैं, शिव सामने। नारायण और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी को आमंत्रित करते हो नारायण रह जाते हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती है, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हो ब्रह्माणी रह जाती है, ब्रह्माणी को आमंत्रित करते हो ब्रह्मा रह जाते हैं, इंद्र को आमंत्रित करते हो तो इंद्राणी रह जाती है, इंद्राणी को आमंत्रित करते हो तो इंद्र रह जाते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शंकर ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर की आराधना, तो लक्ष्मी जी बोली मैं इतने समय से शंकर को जल चढ़ा रही, मैं इतने समय से शिव पर जल चढ़ा रही, शंकर प्रसन्न नहीं होते। भगवान माता ब्रह्माणी ने कहा शंकर को जल चढ़ाकर अगर हाथ की इन मुद्राओं को, हाथ की इस अंजलि को, हाथ को अगर थोड़ा सा भी आप जलाधारी पर स्पर्श कर देते हो तो वो जल पार्वती और शिव दोनों को समर्पित होकर पार्वती जी उसको स्वीकार कर लेती है कि इसने मुझे भी जल चढ़ाया है, केवल स्पर्श मात्र। जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, इस जलाधारी का जो गोल भाग है, चौकोर भाग है जलाधारी का, उसका मात्र जल चढ़ाने के बाद स्पर्श मात्र कर लेने पर भी पार्वती और शिव की आराधना का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में बड़ी सुंदर बात आती है, प्रदोष काल
से कोई प्रदोष का विरोध करते करते हो आप लोग? ठीक है, कितने लोग हैं जो नहीं करते, हाथ उठा लो। ठीक है, नहीं करते ना, कोई बात नहीं, रख रख लीजिए। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है, एक क्षण में। कब कहा? जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त होता है। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष सबको एक ही में निपटा दिया, एक ही बार में पूर्ण करा दिया है, हम इतने साल से कर रहे हैं, वो क्या? देखो, तुम सब व्रत कर रहे हो ना, तो ये आजकल की जो नव युवक पीढ़ी है, ये हो सकता है व्रत कर पाए ना कर पाए। आजकल की जो नव युवक पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, नौकरी में सर्विस में लगी रहती हैं, दिन भर उनको मानसिक टेंशन भी बना रहता है, घर परिवार सब देखना, करना ये करना वो करना, तो हो सकता है इनका प्रदोष व्रत नहीं हो पाए। तो पर ये भूल से भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक पाती लगा हुआ लेकर चलेगा और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर दीप प्रज्वलन कर दे, बाबा को विनय कर दे, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। उन बैठो नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, और शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा, विष्णु दास भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना, नारायण के मंदिर में गए तो नारायण के मंदिर में सेवा करना, सनातन धर्म हमें सिखाता है हम देवताओं को ना तोड़ें, यह हमारा सनातन धर्म सिखाता है, हम देवताओं से दूर ना हो, यह हमारा सनातन धर्म सिखाता है। कई लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले हम यहाँ नहीं जाएंगे, कोई कहता हम शंकर वाले हम राम के मंदिर नहीं जाएंगे, कोई कहे हम राम वाले हम नारायण के मंदिर, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा सनातन धर्म कहता है शिव की पंचायत में 5 देव हैं, इसलिए सनातन धर्म में सब देवताओं को प्रधान कहा गया है, सबको प्रणाम किया, सबको नमन किया, कभी भी किसी भी देवता को नीचे नहीं दिखाया गया कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े कि शंकर बड़े कि ये बड़े कि वो बड़े। किसी पुराण में विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भगवान विष्णु को प्रथम कह दिया गया, वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में शंकर को प्रथम कह दिया गया, राम कथा सुनोगे तो राम जी की प्रथमता कही गई, कृष्ण कथा सुनोगे तो कृष्ण की प्रथमता कही गई, देवी भागवत सुनोगे तो देवी की प्रथमता कही गई, प्रत्येक पुराण में देवता की प्रधानता कही गई। कई लोगों के मन में संशय हो जाता है कि जिसने पुराण लिखा उनको सब चीज सोच लेना थी, कम से कम एक को प्रथम कर देना था, बाकी कोई दूसरा तीसरा चौथा कर देना था, पर जिसने पुराण की रचना करी उसकी चित्त वृत्ति में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, इसलिए उनको वेद व्यास जी कहते हैं, उन्होंने सब देवताओं को सम कहा है, सब देवताओं को समता है, उनके अंदर भेद नहीं। के अंदर समर्पण का भाव और सबकी समता है, सबकी समता। और हम तो आपसे भी कहेंगे आप कभी भेद ना करिए, और यहां तक कहते हैं हम कथा के माध्यम से कि अपने को हल्का फुल्का मत समझिए, तुम सब भारी हो। जो चीज हल्की होती है ना वो छूट जाती है, जो भारी होती है वो छूटती नहीं है। भारी से मतलब महंगी, सस्ती छूटती है, महंगी नहीं। 3 लाख की घड़ी हाथ में पहन लो,
छोड़ गए। 2 लाख का मोबाइल जेब में रख लो। जब आते हो और घर के लोग कहते मम्मी मोबाइल ले जा, और मम्मी कहती है कीपैड ला दे, इतना बड़ा जो होता है, इतना छोटा सा है, छोटा सा, उसमें ना तो ये कुछ भी फालतू फालतू चीजें जो चलती है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ नहीं चले, बस इतना सा। हाँ, कहाँ पहुंच गई कुबेरेश्वर धाम, कब आएगी? बस वो इतना सा। और वो मान लो वो वाला लेके आती, बड़ा वाला 1.5-2 लाख का, कहीं छूटता नहीं, पर वो छोटा सा था, नहाने कहीं छूट गया तो कोई बात नहीं, महंगा नहीं छूटना चाहिए। मोबाइल की कीमत है तो मोबाइल नहीं छूटता, घड़ी की कीमत है तो घड़ी नहीं छूटती, चेन की कीमत है तो चेन नहीं छूटती। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, अपने आप को हल्का मत समझो, सस्ता मत समझो। मेरे भोलेनाथ ने तुमको कीमती बनाकर भेजा है, तो तुम्हारी भी कीमत है, तुम्हारी भी कीमत है। अपने आप को हल्का मत समझो, कभी भी किसी से बात करना है तो समझ के करना, हल्का फुल्का मत समझ। अपने आप को जब हम हल्का समझने लगते हैं, भैया हमारी बड़ी बहन क्या खूब दौलत है रे, हमारे मामा जी क्या, हमारे काका जी क्या, हमारी बुआ जी क्या, हमारे पापा जी क्या, हमारे उनके यहाँ खूब अच्छा, खूब भगवान का वैभव है, उनके यहाँ खूब धन है, उनके यहाँ खूब, उनके यहाँ तो खूब प्रेम से खाना खाते, खूब सारा माल डालाता, खूब खूब, हम उनको सेट समझ रहे, अपने आप को भिखारी समझ रहे। बल्कि जिसके यहाँ जाओ, अगर घर में अचार रोटी भी खाओ तो सामने जाकर बताना मेरे भोले बाबा की कृपा से भूखा नहीं सोता, खूब भर कर देता। तुम्हारे घर का धन तुम्हारे घर में, तुम कौन सा हमको दे रहे हो? इसलिए हमारे घर का धन हमारे घर में हमारे को दे रहा है बाबा, 2 रोटी चैन से खिला रहा, प्रेम से खिला रहा, आनंद में खिला रहा, वो बड़ा सुख है हमारी जिंदगी में। अपने को हल्का मत समझो, अपने को सस्ता मत समझो। कई बेटियां कह देती हैं, कई माताएं अपनी घर में आकर अपनी बेटी के सामने, अपनी बेटी के सामने कई माता कह देती हैं, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, तेरे भाई के लिए लड़की देख के आई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, तेरे भाई के लिए लड़की देखने गई थी, इतनी सुंदर। अब वो लड़की मन में सोच रही, उसकी ननन जिससे शादी होने वाली हो, अब लड़की मन में सोच रही, बताओ अभी से भाभी के गुणगान गा रही है, तो ननन के मन में आ गया आनंद जगदम्बा, इतनी सुंदर ना, बहू का गुणगान गाओ। घर आकर अगर किसी को बताओ, किसी रिश्तेदार को बताओ, बहू सुंदर है, ये नहीं बल्कि ये गुणगान गाओ कि मेरी बहू संस्कारित है, सम्मान करने वाली है, आदर करने वाली है, संस्कारित है। तो मेरे घर की बेटियां जब सुने कि बहू संस्कारित है, तो घर की बेटियां भी सोचे कि अब मुझे भी अपने ससुराल में जाकर सम्मान संस्कार धारण कर जाना है, आदर कर। अब तुमने गुणगान गाया, इतनी सुंदर बहू उसकी है कमला, तेरी बहू क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर। अब मालूम पड़े कमला की बहू थी तो सुंदर, पर सवेरे से लेकर शाम तक, अभी अभी वो एक कैसी रील हमको वो दिखा रहे थे, आकाश दिखा रहा था, तो वो बता रहा था एक पार्लर में एक जीजी तैयार होने गई, और तैयार होने के बाद बोली कितनी सुंदर लग रही, मलते सी पूरा आंख काला काला हो गया, सुंदर। तो कहे ना एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब बोले क्या है, इनको नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने उसके पति से पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। लो, डॉक्टर साहब ने उसकी पत्नी को बुलाकर कहा, ये गोली एक रात्रि को और एक सुबह दे दिया, ये गोली लेकर जाओ और रात्रि और सुबह ये गोली ले। पति आया दौड़कर, पति ने कहा डॉक्टर साहब ये गोली पानी से लूं कि दूध से लूं?
ये गोली मैं कैसे खाऊं? पत्नी ने पूछा, हाँ डॉक्टर साहब मैं तो पूछना भूल गई, ये गोली इनको दूध से खिलाऊं कि पानी से खिलाऊं? डॉक्टर बोले, ये गोली तुम्हारे पति को नहीं खिलाना। पत्नी ने पूछा, फिर? डॉक्टर बोले, ये गोली तुमको खाना है, अगर तुम सो गई तो पति को भी नींद अच्छे से आ जाए। तेरे चक्कर में रात भर जागता है टेंशन में, जरा जरा सी देर में विवाद विवाद, कई डिप्रेशन में पहुंच गए, कई डिप्रेशन में पहुंच गए। कई माताएं कहती पति डिप्रेशन में पहुंच गए, उनसे कहते हैं पहुंचा नहीं, पहुंचा दिया। प्रयास करो, जितना अच्छा दे सकते हो, जितना अच्छे से बोल सकते हो। एक छोटी सी गोली पूरे शरीर का रोग मिटा देती है, एक छोटी सी गोली। गोली कितनी बड़ी होती है जो तुम लोग खाते हो, कभी कभी दवाई में गोली में खा लेते हो, पूरे शरीर में कष्ट है, दर्द है, अरे गुरुजी हाथ दुख रहा, पांव दुख रहा, घुटना दुख रहा, सिर दुख रहा, सारी गोली का एक गोली तुमने खा ली। कभी कोई सी गोली गोली होती है, एक गोली इतनी सी, कितनी बड़ी गोली होगी? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी होती है क्या? नहीं, गोली कितनी सी, इतनी सी, एक छोटी सी गोली तुम्हारे पूरे शरीर का रोग मिटा देती है, तो एक छोटी सी मीठी गोली तुम्हारे दिल का भी रोग मिटा देती है। छोटी सी मीठी गोली, छोटी सी गोली जब शरीर का रोग मिटा देती है, तो छोटी सी मीठी बोली, केवल प्रेम की बोली बोलिए, हृदय का रोग, हृदय का दुख, हृदय की तकलीफें समाप्त। कीर्तन में कहते हैं ना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कर करके मीठी बातें इस दिल का जोड़ना, कर करके इस दिल का जोड़ना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, कहां से सीखा मोहन तूने मीठा बोलना, हमारे हृदय के दुख को भी समाप्त कर देगी। क्या चाहिए किसी को, क्या चाहिए? एक बूढ़े व्यक्ति से पूछो, क्यों? बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पिताजी से, घर के बुजुर्ग से, घर के बूढ़े व्यक्ति से पूछना, पापा तुमको गाड़ी दिला रहे, फोर व्हीलर अच्छी जोरदार। पिताजी कहेंगे, क्यों पागलपंती करता है रे, मेरे को क्या करना फोर व्हीलर से। फिर बूढ़ी मां से पूछो, मम्मी, ओ मम्मी चल तुझे सोने के हार दिला देता हूँ, कंगन दिला देता हूँ, सुंदर सुंदर सोने की रकम बनवा देता हूँ, बनारसी साड़ी दिला देता हूँ। बूढ़ी माँ कहेगी, क्यों हंसी उड़ाए संसार में, अब बुढ़ापे में मैं इतना सामान पहनूंगी क्या, बनारसी साड़ी वगैरह बहू को दिला, बेटों को दिला। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है? फोर व्हीलर गाड़ी नहीं। बूढ़ा व्यक्ति तुमसे चार चक्के की गाड़ी नहीं मांगता। बूढ़ा व्यक्ति तुमसे केवल पूरे 24 घंटे में
चार मिनट प्रेम से बातें मांगता है कि मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है तुमसे? धन दौलत संपदा बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहता, पर चार मिनट मेरे पास बैठकर मेरे से चार बातें तो करो। घर में बहू है, चार मिनट तो मेरे पास बैठे, घर के बच्चे तो मेरे पास बैठे, चार मिनट कोई बैठने को तैयार नहीं। चार चक्के की बात तो जाने दो, चार गाड़ी की बात तो जाने, चार शब्द प्रेम की अगर बोलोगे तो बूढ़ा भी चाहता, बुजुर्ग व्यक्ति भी चाहता। शिव तत्व कह रहा, विष्णु दास और चोल राजा दोनों शिव की आराधना, दोनों नारायण की आराधना कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानते वो। आज चोल राजा ने भगवान शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद में विष्णु दास आया, विष्णु दास ने अपने पास रखी हुई वस्तु बेलपत्र तुलसी का दल, बेलपत्र शंकर को चढ़ाया, तुलसी दल नारायण को चढ़ाया। चढ़ाते से जो सामग्री हीरा पन्ना मोनिक मोती रखे थे वो सारे के सारे ढक गए, तो सब के सब ढक। अब जैसे ही सारा के सारा सामान ढका, सारी की सारी सामग्री ढक गई, चोल राजा भगवान का दर्शन कर बाहर निकला और फिर अंदर किसी कार्य से गया और भगवान का जो दर्शन करा तो नारायण के चरणों में पड़ा, सोना चांदी हीरा पन्ना सब तुलसी के दल से ढका हुआ था। चोल राजा को बड़ा गुस्सा आया, पहुंच गया शंकर के मंदिर में। शिव के मंदिर में जाकर चोल राजा ने देखा तो वहां पर भी जो मैंने हीरा पन्ना चढ़ाया था वो बेलपत्री से ढका हुआ था। कोई अपनी थाली में 56 भोग लगाकर शंकर को लगाए, लगाने दो। कोई अपनी थाली में हीरा पन्ना लाकर शंकर को चढ़ाए, चढ़ाने दो। पर आप किसी से कर्जा कर नहीं, किसी का धन लेकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं, शिव पुराण कहती आपके पास में अगर चंदन है तो चढ़ा दो, चंदन की भी अपनी सामर्थ्यता नहीं हो तो कहीं भस्म मिल जाए राख, वो भस्म भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो चंदन से प्रबल है भस्म। प्रीता है भगवान, प्रीता। कई लोग कहते हैं भगवान नाम गुरु जी हम शंकर जी को क्या चढ़ाए, हमने कहा जल चढ़ाओ तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें। हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, तीन बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो, हमने कहा मुख से बम बम बोले बोल दे उतना ही बोल, वो भी ना बने तो मुस्कुरा कर शिव को निहार लो, मुस्कुरा कर, मुस्कुरा कर शंकर को निहार। और कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर नहीं चंदन नहीं, अगर नहीं तगर, कुछ भी नहीं है, आपसे भी निवेदन है लक्ष्मी की पूजन करो, तुम्हारे पास में सब सामान हो चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करना, खूब कृपा करना। फल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है, हमारे मन में आया हमने किसी को खरीदते हुए देखा था चीता फल, मतलब लक्ष्मी जी को चीता फल भी चढ़ाना चाहिए, हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा वो भी चढ़ाना चाहिए, घर में सामर्थ्यता नहीं है। और कर्जा कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चलूंगा।
धनतेरस से चालू करा, रूप चौदस पर करी, रूप चौदस से करी दीपावली पर पूज लिया, और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो, और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर दो दिए लगाना है। दो दीप अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है, और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन रोली मोली हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही दो दिए से जो रखे हैं उन्हीं दो दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली, ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के समय। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन चार दिन की सब प्रदोष काल में कर, सब प्रदोष। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन कर, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छेड़ी ना में कटी जावांगी, बोले मैं तेरी। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं, जब हम दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, जब हम दिल से बाबा को नमन करते हैं, बाबा सुनता जरूर। एक पत्र है छोटा सा, देखिए, नयन तारा सिंह नागपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। आ जाओ इधर से, निकल जाओ धीरे से, नहीं निकलते नहीं बनेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा, निकल जाएगी। आ जाओ। मैं नयन तारा सिंह नागपुर से हूँ। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, 8 साल से एक काम अटक रहा था। 8 साल हो गए थे वो काम नहीं हो रहा था गुरुदेव, मैं क्या बाबा का वर्णन करूँ गुरुदेव। आप कहते हो कि सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ भरने वाले को बाबा 3 महीने में वापिस दे ही देता है जो वो दिल से मांगता है। गुरुदेव मैं सावन के महीने की कावड़ भरने पहली बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आई थी। इस सावन के महीने में मैं कावड़ भरने के लिए जब कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आई, 8 साल से काम अटका हुआ था गुरुदेव, और मेरे परिवार के 8 जनों को, मेरे परिवार के सदस्यों को किसी झूठे केस में फंसा दिया गया था। 5 सदस्यों को झूठे केस में फंसा दिया, और फंसाए हुए 8 साल तक केस चलता रहा, और 5 सदस्य घेरे में रहे, कारागार में रहे, और केस चलता 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 8 साल निकल गए, पर कोई निर्णय नहीं निकला। 8 साल जब निर्णय नहीं निकला, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुना और सुना कि कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ भरने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण करता है, तो मैं भी यहाँ सा लेकर सीओर आ गई। सीओर से मैंने कांवड़ का जल भरा, जल भरकर मैं बाबा का नाम स्मरण करती हुई आपके साथ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आई, और जल समर्पित कर झोली पसार बाबा कुबेर भंडारी को जल कर देकर कहा, बाबा 8 साल हो गए और ऐसा लगता है ये केस समाप्त नहीं होगा, पर मैंने सुना है तू झोली भरता, मेरी झोली भर दे और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। गुरुदेव 2.5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ, और बाबा की कृपा से सावन की कावड़ भर कर गई, 2.5 महीने के अंदर ही मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे 5 सदस्य हमारे घर के साकुशल जज साहब ने उनको निर्णय देकर छोड़ दिया और घर भेज दिया और केस पूरा समाप्त कर। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप रंगुन गुनाते।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो। भगवान कहते हैं मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो अपना दिल दे दे। दिल से बड़ी कोई दौलत हुई? हृदय से बड़ा क्या है? क्या दोगे भगवान, क्या प्रदान करोगे? हम हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से कहते, आज फिर कहते, शिव पुराण करवाने वाले जितने यजमान हैं उनसे भी कहते हैं कि कर्जा लेकर किसी से कुछ लेकर कथा मत कराओ। कथा कराना है तो भोले बाबा से कहो कि तुम मुझे लायक बना कि मैं शिव पुराण की कथा करवा सकूं, तुम मुझे उस लायक बना कि मैं शिव पुराण की कथा करवा सकूं। और अगर बाबा हाथ पकड़ ले तो एक कार्य जरूर करना, बाबा अगर कभी बन सके और कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर या किसी तीर्थ में शिव पुराण हो रही हो और बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुझे आगे बढ़ाना चालू कर दिया, तो किसी तीर्थ में या कुबेर भंडारी की भूमि पर सबके साथ मिलकर जो यजमान बनते हैं उसमें बाबा से कहना मुझे भी यजमान बना देना, क्योंकि अब तूने हाथ पकड़ लिया, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मुझे आगे बढ़ा देना, ऐसी कृपा। अब पकड़ लिया तूने, छोड़ना, ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है, तेरी कृपा खाली ना जाए। हम कहते हैं दुनिया के लोगों को, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से, आप दिल से मांग कर जाना, दिल से बोल कर जाना, दिखावे से नहीं। बहुत आते हैं, कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि 5-6 बार आ गए तो भी बाबा से कहते बाबा हम तो रह गए। बाबा के धाम में आओ, दिल से आओ, आप आयो ना जल भरण चढ़ाने के लिए, आप आयो ना दिल से बाबापुरी जाने के लिए। कई लोग यहाँ कार्तिक के महीने में 1 महीने से कई लोग रुके हुए हैं, 1 महीने से रह रहे हैं, बाबा का भजन कर रहे हैं, पड़े कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन, कोई 7 दिन, आता है बाबा के धाम में, झाड़ू पोछा लगाया पड़ा रहता, कचरा उठाया छोड़कर फेंक देता, बाबा के कंकर शंकर की भूमि पर कंकरों को साफ करता रहता है। कई आते हैं वापिस बाबा के कंकरों को रखकर बड़े प्रेम से वहां पूजन कर कर चले जाते हैं। कोई आता है भोजनशाला में खड़े होकर भोजन परोस के चले जाता है। और कई दीपावली की रात्रि को आते हैं, बाबा के यहाँ रंगोली डालते हैं, खूब सुंदर सुंदर रंगोली बनाते, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करते, 11 दिए लगाते चले जाते बाबा। कभी सारे तीर्थ जाना और दीपावली पर एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर भी आकर देखना। पूरा परिवार नहीं आ सकता क्योंकि घर में भी दीपावली की पूजन होती है, तो कोई एक सदस्य भी आकर दीपावली की रात्रि को बाबा का नजारा जरूर देखकर जाना कि बाबा करता क्या क्या करता। और एक व्यक्ति आकर जाएगा ना तो दूसरे से जाकर अगले साल कहेगा अगले वर्ष मैं जाऊंगा दीपावली पर बाबा धाम, अगले वर्ष मुझे जाना है बाबा धाम, लाइन लगेगी, अगले वर्ष मुझे बाबा के धाम जाना दीपावली, बाबा की रात्रि का वहीं आनंद लेना, इसमें खजाना लेना। शिव तत्व है शंख, और लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला का शिवाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे जीवन का आनंद हो। कई लोग सीओर आते हैं, रिश्तेदार उनके सीओर आते हैं, पर वो रिश्तेदार उनके घर में नहीं रुकते, सीओर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुकते हैं। हमें वहीं रुकना है, कुबेर बाबा के भंडारे में भोजन करना है, कुबेर बाबा के भंडारे में रहना है और कुबेर बाबा की धरती पर ही सोना, वहीं पड़े रहना, वहीं रहना। फिर निवेदन है कुबेरेश्वर धाम आने वालों से, निवेदन दिल से आओ, दिल से, और बाबा से प्रार्थना भी दिल से कर कर जाओ कि बाबा तुझे से ये बीमारी हो गई, ये रोग हो गया, ये तकलीफ आ गई, कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा बात
पर भी बैठ कर बाबा से अपने दिल की बात करो। एक कंकर बारीक सा बारीक भी कंकर मिल जाए ना तो उसको हाथ में रखकर उसको कह दो तुम तो बस, और छोड़ जाओ वहीं पर जाओ उससे कह दो। बारीक से बारीक भी मिले ना उसकी रज पर भी हाथ रखकर आपने उसका कंकर भी छोटा सा देख लिया उससे भी कह दिया वो भी सुनता। इसलिए तो कंकर शंकर की धरा कहते हैं उसको। शंकर की भूमि कहते हैं इसको। मंदिर तो बाद में, कंकर शंकर की धरा प्रथम। कंकर शंकर के बाद दिल से बैठ कर कहते श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा आ गया। मेरे चढ़ाए धन पर बेलपत्र चढ़ा दी, मेरे चढ़ाए धन पर तुलसी का दल चढ़ा दिया। कितना महत्व है तुलसी के दल का कि सत भामा ने गर्व भयो और तोल लियो गिरधारी। सतभामा को अहंकार आया, सतभामा को गर्व भयो और तोल लियो गिरधारी। अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो और कुबेर कर दियो खाली। द्वारका का पूरा धन रख दिया, भंडार खाली। सतभामा को गर्व भयो तोल लियो गिरधारी। धन लक्ष्मी सब धर दीनो कुबेर कर दियो खाली। पर ठाकुर झीलो पलड़ो चोनी चोला, ठाकुर जीरो पलड़ो चोनी चोला, मने प्यारो प्यारो तुलसी जीरो प्यारो लागे। रस से नीचे झुक गया। आखिर शिव पुराण कहती है कि भगवान
जी को, मेरे नारायण को तुम्हारे हीरे बनने तो उनके चरणों की धूल है, पर तुलसी का दल उनके हृदय की जागीर है, इसलिए तुलसी का दल मूल है। तुलसी का दल और शंकर भगवान के चरणों में सारी दौलत धूल है, और एक बेलपत्र शंकर के हृदय की मूल था। एक बेलपत्र हमने पहले भी कथा में कहा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, जजमान लोग कहते हैं हम यहाँ पर गिफ्ट रख देते हैं, गुरुजी आपसे मिलने वाले आए ना तो उनको गिफ्ट दे देना। हमने कहा इससे बड़ी कौन सा गिफ्ट होगा, वो गिफ्ट कमरे में ले जाकर रख दोगे, ये वो गिफ्ट है जो तुम्हें उतना बलवान बना देगा कि तुम भी हजारों गिफ्ट कब काट दोगे पता ही नहीं चलेगा, ये वो गिफ्ट है। वो कई लोग डायलॉग मारते हैं कि तुम इसकी कीमत क्या समझोगे, हम भी कहे अरे संसार के लोग तुम एक बेल पत्र की कीमत क्या समझोगे, जिस दिन तुम समझ गए उस दिन जान जाओगे कि बेल पत्र में है क्या, क्या बेल पत्र में सुख है, जिस दिन समझ गए उस दिन जान जाओगे एक बेल पत्र की कीमत क्या। शिव तत्व की विष्णुदास चढ़ाया, चोल राजा ने कहा हमारे चढ़ाए गए माणिक मोती पर तुमने बेलपत्र चढ़ा दिया, गुस्सा हो गया चोल राजा ने ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ा विष्णुदास का, लेकर गए राजभवन में, मंत्रियों से पूछा बताओ इसको क्या सजा सुनाई जाए, हमारे माणिक मोती हमने भगवान को चढ़ाया और उसके ऊपर इसने तुलसी का दल चढ़ा दिया, हमारे माणिक मोती चढ़ाया और उसके ऊपर इसने बेलपत्री चढ़ा दी, क्या सजा सुनाई जाए, इसने हमारा अपमान करा। शिव पुराण कहती है दुनिया के लोग धन दौलत चढ़ाए चढ़ाने दो, तुम्हारे पास जितना है जैसा है वैसा समर्पित। कई बार देखा देखी करते रहते हैं, उसने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने ऐसा करा तो हम ना ना ना, या कंकर शंकर की दरा पर आप देखा देखी भी मत करो, उसने अगर कई लोग वो इतना बड़ा कंकर उठा के लाई तो तू उतना बड़ा। अब कंके ने इतना सा बड़ा बड़ा कंकर उठाकर पूजन कर दी तो तू देख के गई सिर पे पल्लू लेकर, अब मां ढूंढते फिर पूरे प्रागण्य में, फिर उसको यहां नहीं मिला तो कहीं दूसरी जगह चली गई मां से उठा लाई ना, या तो बारीक सा बारीक भी कंकर मिल जाए, छोटा सा छोटा टुकड़ा भी कंकर का मिल गया, उसको रख लिया, पूजन कर ली, बाबा से विनय कर लिया, एक कंकर उठाकर उससे दिल की बात कर ली, बाबा तेरे आश्रित होकर इस कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आई, मैंने सुना है सबकी झोली भर देता, मेरा भी एक दुख है उसको क्या तू समाप्त कर देगा, मैं मानती हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ संसार में जन्म लिया तो मैंने पाप किया होगा, कोई मैं पुण्य भागी नहीं हूँ, पर परमात्मा तू भी तो कृपालु है, तू भी तो दयालु है, मेरे जैसे पापी को तू ही तार सकता है, मैं सब दूर देख लिया, मेरे जैसे व्यक्ति के पाप कम नहीं हुए, अब तू ही कम कर सकता। उस कंकर से दिल की बात कर कर उससे कहकर फिर जाऊ, 3 महीने में बेल भी नहीं खोलना पड़ेगा, किसी कुबेरेश्वर दाबा की धरा पर फिर वापिस आ जाओगे। थोड़ा पेट करो, उससे दिल से बात करो, तुम अपने अपनी बात अपनी पड़ोसन से जितना कहते हो, बाबा के धाम में आकर उत्तर उससे कहो। सैनिक लेकर गए, पूछा सैनिकों से बताओ मैंने सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ाया उसके ऊपर इसने तुलसी का दल चढ़ा दिया, मैंने शंकर जी को हीरा पन्ना चढ़ाया इसने बेलपत्र चढ़ा दिया, मुझे नीचा दिखाया,
उसी में बहुत सारे बैठे थे तो एक भक्त भी बैठा था और भक्त ने तुरंत कहा राजा से, महाराज आप तो धर्मात्मा कुछ भी चढ़ाओ, अहंकार रह कर क्यों चढ़ाना कि तब गया कि रह गया कि क्या करो। कई लोग हमसे भी कहते हैं गुरु जी हमने तुमको रुपट्टा दिया तो तुमने पहना नहीं अभी तक, ए गुरु जी हम तुम्हारे लिए रुपट्टा लाए थे और तुमने पहना नहीं, हम इतना कीमती लाए थे, हम इतना महंगा लेकर आए थे, सारा मार्केट घूमा तब जाकर हम हमारे गांव से तुम्हारे लिए रुपट्टा लाए, तुम पहने नहीं। अरे भाई तुम लाए, तुमने किसको दिया? शंकर भगवान को समर्पित कर। अब भोलेनाथ जाने कि उसको कब पिनाना है, कैसे पिनाना है और कहाँ पिनाना है, ये उसकी मर्जी। अपन देने के बाद भूल जा। कई लोगों की आदत रहती है 25 बार दीपावली पर घर के लोग बच्चों को कपड़े दिलाते हैं और 25 बार कहते अभी दिलाए थे ना तेरे को, आवाज मत निकाल देना, अभी दिलाए थे ना तेरे को, दिवाली पे दिलाए थे ना तेरे को, आवाज मत निकाल दे। बेचारा दीपावली के 3 महीने तो डिप्रेशन में रहता है, और कपड़े भी दिलाए तो ऐसे दिलाए दुकान में थोड़े बड़े दिखाओ, पीछे के 1-2 साल चल जाए। अब मालूम पड़े इसे से झंडा झोला हो गए। अब स्कूल में बच्चा गया कपड़े पहन दिवाली के, इधर तक इधर से हिला इधर, तो बच्चे से पूछे उसके दोस्तों ने पूछा कि कौन ने दिलाए, तो वो बोला मम्मी ने, तो कह मेरे भी मम्मी ने दिलाए, पर तेरे तो फिट है, कह नहीं वो मेरे अंदर घुसे हैं, ये तो फिट नहीं। सबकी मम्मी एक जैसी होती है, आगे का सोच के चलती है, बहुत आगे का सोच के चलती है। पटाखे चलाने जाते हैं जब कपड़े भी उतरवा लेती है, सबकी मम्मी एक जैसी होती है। पूजन में अच्छे बिनाती और पटाखे में मम्मी दिवाली है तो पूजन में पहन लिया ना, फिर कल पांव पड़ने जाएंगे जब पहन लेना उतार, और घर का वो लोवर टी शर्ट पहना के फटाके चल। अब जितने गाड़ी वाले जा रहे हैं वो देखते जा रहे हैं, 1,000 के कपड़े पहन लेता बेचारा, 1,000 के फटाके फोड़ दिए, अब उसको क्या मालूम पहना तो 2,000 के था उतरवाए। चित्त सही से भगवान तुम्हारे धन दौलत से प्रसन्न कभी नहीं हुआ, भगवान को तुम्हारी प्रीता, तुम्हारे हृदय की प्रीता होना चाहिए, हृदय की प्रीता, भगवान की प्रीता है। क्या दंड दिया जाए? उसमें एक बेटा था समझदार सहज सरल, उसने कह दिया कि प्रभु आप भी भगवान की भक्ति करते हो, ये भी भगवान की भक्ति करता है, एक बार देख लिया जाए दोनों की भक्ति में कितना दम है। तुम्हारे हीरा मोती सोना चांदी में दम है कि एक तुलसी का दल और एक बेलपत्र में दम है, बस ये देखा जाए। हम कई लोगों से कहते हैं तुम डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर साहब के पास जरूर जाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, दवाइयां लो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लो, जांच का बोले जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर किसी शिवालय में से अगर एक बेलपत्र लेकर आओ तो ये विचार कर लाना कि जो मैं दवाई खा रहा हूं वैसी ही ये औषधि है, और मुझे विश्वास है वो दवाई डॉक्टर ने दी है तो ये औषधि मेरे महादेव ने दी है, मेरा दुख मिटेगा, मेरा रोग समाप्त तो होगा, मेरा दुख मिटेगा, क्योंकि मैं उसके आश्रित होकर आई, उसके आश्रित होकर पहुंचा, मेरा दुख कटेगा। भक्ति का बल किसका बड़ा है देख लिया जाए। समय आया, दोनों पर निगाह रखी गई, दोनों जाते, राजा जाते और हीरा पन्ना चढ़ाते, और ये जाता झाड़ू पोछा लगा कर बेलपत्र तुलसी का तल चढ़ा देता। एक दिन समय आया, इस ब्राह्मण की आदत थी भोजन बनाता था तो शिव जी के मंदिर में और नारायण के मंदिर में लेकर जाता था। चोल राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं भगवान के मंदिर में माणिक
जाता है, मोती सोना चांदी लेकर जाता, पर भगवान का भोजन लेकर नहीं जाता। राजा ने अपने दूतों से कहा 56 भोग तैयार करो, नारायण के मंदिर में लेकर जाओ, 56 भोग तैयार करो, शंकर के मंदिर में लेकर जाओ। अब ब्राह्मण जो भोजन बनाता था, दो रोटी टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, सिक गई, कोई छोटी रोटी, सामान भरता भरता बना लिया, कोई चालू आलू का भरता बना ले, कभी बैंगन का भरता बना ले, बना के भगवान के मंदिर में ले जाओ। अब जरा विचार करें, आप सब विचार करना, कोई इतना बड़ा चांदी का छत्र लेकर आए, इतना बड़ा, और कोई एक नारियल, दो अगरबत्ती और कुछ दो फूल लेकर आ जाए, किस पे दृष्टि पड़ेगी सबसे ज्यादा? बोलो बोलो जमीन, जो सत्य वो सत्य बताओ, किस पे पड़ेगी? चांदी के छत्र वाले। 56 भोग आए, अलग अलग सोने के कटोरे में लगकर आए, और ब्राह्मण विष्णु दास साधारण से पत्तल पर टिक्कड़ और उसमें भरता लेकर आए, भोग किसका लगे? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। अंदर जो होंगे, जो पूजन कर रहे होंगे, वो किसका भोग लगा? किसका लगेगा? 56 भोग। राजा के घर से आया है, 56 भोग बनकर आया है, 56 भोग बनकर आया है, मंदिर में पहुंचा, भोग लगा। अब विप्रदेव ब्राह्मण देव का वो घुड़ता, ब्राह्मण देव विष्णुदास का वो टिक्कर मंदिर में नहीं, दूर रख दिया। फिर भी विष्णुदास हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता, नारायण से विनती करता, बाबा मेरे पास जो है मैंने तुझे दे दिया। स्मरण कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सा। अब दिल से उसको रिझा, जैसे चार दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, पांचवा दिन तब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली, मोली, हल्दी और घी के दो दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप महिला का रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में, तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें, अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, पांचवें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में, तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वही उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहे। कोई दिया अखंड नहीं है, 2-5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की, लक्ष्मी पूजन की। लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए, जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। शिव तत्व कह रहा है, निगाह रखी गई ब्राह्मण के। अब हुआ क्या, भगवान शंकर के मंदिर में भोग लगाता, प्रणाम कर कर चले जाता और प्रसाद लेकर जाना था, आज क्या देखा उसने कि
रोज भगवान के मंदिर में मैं आंख बंद करके बैठता हूँ, भगवान शंकर के मंदिर में जब आंख बंद करके बैठता हूँ कोई मेरा टिक्कड़ और भुर्ता चुरा के ले जाता है। कौन ले जाएगा? राजा के यहां से छप्पन भोग आ रहा है, इसके यहां से टिक्कड़ भुर्ता आ रहा है, चोरी जा रहा है। छप्पन भोग चोरी नहीं जा रहा है, चोरी क्या जा रहा है? टिक्कड़ और भुर्ता। अब चुराने वाला चुराएगा तो छप्पन भोग चुराएगा कि टिक्कड़ भुर्ता चुराए? अगर दूसरा व्यक्ति होता तो उसके मन में आता कि हो सकता है राजा के लोग मेरा अपमान करने के लिए मेरा टिक्कड़ भुर्ता हटाकर छप्पन भोग का भोग लगाने वाले, पर उसके मन में भाव नहीं आया। फिर वही वाली बात आ गई, मैग्नेट लगी है मस्तिष्क में, अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। कोई भी बीमारी शरीर में लग जाए, कभी बड़ी बीमारी का मत सोचो, ये सोचो कि हाँ आ गई बीमारी चली जाएगी, दुख आता है जाता है, धूप आती है चली जाती है, सब चलता है। जब गर्मी आती है वो भी जाती है, ठंड आती वो भी जाती, बारिश आती वो भी जाती, सब चलता रहता है। तो ये तो जीवन है, तो दुख आया है तो जाएगा, बीमारी आई है तो वो भी जाएगी, क्या सोचना उसके लिए? मैग्नेट लगी, अच्छा सोचोगे अच्छा हो। उसने सोचा, ये नहीं सोचा कि कहाँ गया, उसको समझ में नहीं आया कोई मेरा भुर्ता और टिक्कड़ मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। अब उसने सोचा तीन दिन चार दिन पांच दिन निकल गए, आज मैं जरा देखूंगा। उसने शाम के समय भगवान को भोग लगाने गया और मंदिर के पीछे छुप गया। विष्णुदास मंदिर के पीछे छुप, और मंदिर के पीछे छुप कर क्या देख रहा था? एक चंडाल आया, पत्तल उठाई, लेकर चल दिया। इसने सोचा मेरा भगवान का भोग चंडाल चुरा कर ले जा रहा है। पीछे पीछे विष्णुदास जाने लगा। जाते जाते विष्णुदास ने क्या देखा? उस चंडाल को ले जाते देखा, और ले जाते हुए जो देखा, देखते ही चंडाल आगे चलते चलते पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। नीचे गिरा, गिरकर उसको होश नहीं आया। विष्णुदास की आंखों में जल भर गया, बेचारा भूखा था, भोजन तो किया है, मैंने नहीं करा तो इसने तो करा है। विष्णुदास गया शंकर के मंदिर में, जल का पात्र उठाकर लाया, जल छीटा। हे पति, हे यात्री, उठो, तुम पूरा टिक्कड़ खा लो, पूरा भुर्ता खा लो, पर जीवित तो हो जाओ, उठो, जल छीटा। जो जल छीटा, जल छीटते से उसने क्या दर्शन करा कि मेरे नारायण हरि और हर, मेरे शंकर और विष्णु एक रूप में जमीन पर आनंद से विश्राम कर रहे हैं, आराम से हरि और हर विश्राम कर रहे हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। जल का छींटा देखकर उठाया, उठो उठो उठो। देखकर विष्णुदास ने हाथ जोड़ लिया, मैं तो समझा था आप चंडाल हैं, पर आप तो शिव और हरि हैं, समझ नहीं पाया। राजा ने अपने दूतों को भेजा था, जरा पता करो कि आखिर ये इतना खुश क्यों हो रहा है। मालूम पड़ा कि इसको शंकर और हरि का दर्शन साक्षित हो गया। राजा ने कहा, मैं मान नहीं सकता। अगर विष्णुदास की सामर्थ्यता है, मैं भी टिक्कड़ और भुर्ता बनवाता हूं और भगवान भोग लगा करवाने, तो मैं जान। चोल राजा ने आज इतने बड़े महल में जहां छप्पन भोग बनते थे वहां टिक्कड़ बना है, भुर्ता बना है। घर पर जाकर भले छप्पन भोग खाओ चलेगा, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो जो प्रसाद मिल जाए, जो मिल जाए। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक तो लगभग रोटी सब्जी सभी चीजें यहाँ बनती हैं, शाम को तो खिचड़ी प्रसाद ही बाबा का बनता है, शाम को तो बाबा का खिचड़ी प्रसाद ही बनता। जो भाव उसे मिले उसको पाओ दिल से। छप्पन भोग तुम्हारे घर में होगा, होटल का भोजन का स्वाद अलग होगा, पर बाबा के धाम का रोटी सब्जी भले सादी बनी हो, सादा भोजन हो, और कुछ बना होगा मिक्सचर, हाँ मीठा कुछ बना होगा, जो भी यहाँ बनता है वो प्रसाद तुमने पाया, वो सुनता उसका आनंद।
के नगर में राजा के महल में तो 56 भोग बनते हैं, भुड़ता और टिक्कड़ बना, और टिक्कड़ भुड़ता बनकर राजा ने शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में रख दिया। अगर विष्णुदास सत्य में तेरी भक्ति प्रबल है और मेरे भजन में बल है तो दोनों में से जो भगवान को भोग लगाते तुम मानते हो। विष्णुदास ने हवन करवाया, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, सब कुछ करा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। आखिरी में विष्णुदास से कहा तू भोग लगा। विष्णुदास ने कहा प्रभु आज मेरे घर का टिक्कड़ नहीं है, आज राजा के घर से आया। अब जरा विचार करना प्रभु, जिसके घर में रोज रसमलाई बनती हो उसके घर में टिक्कड़ कितनी मुश्किल से बना होगा। इसलिए प्रभु राजा के घर के टिक्कड़ को खाने जरूर आ, मेरे घर का भले एक दिन भूल जाना पर आज राजा के घर का जरूर खाना। नारायण और शिव ने अपने अपने सामने पत्तल को उठाकर टिक्कड़ खाना प्रारंभ करा। राजा देखकर थकी पाए, राजा देखकर थकित रह गया। हृदय से भाव से दिल से भगवान को जो दिया जाए भगवान को स्वीकार करता है। वो कहते हैं ना कभी भूर सत हो तो डमरू निर्धन के घर विष्णुदास के। राजा क्या पकड़ता, भगवान नंदी लेकर गरुण लेकर पधारे, विष्णुदास को अपना बनाकर भगवान उसको लेकर चले गए और भगवान नारायण ने अपने दरवाजे का उसको द्वारपाल बना दिया। भगवान 56 भोग से नहीं, भगवान हीरा पन्ना से नहीं, भगवान रतन माणिक मोती सोना चांदी से नहीं, मेरा शंभू दिल से जीता है, दिल से। दीपावली महापर्व कुबेरेश्वर भाभा की पवित्र धरा पर से 3 दिवसीय जो आप हम शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं आज उसका विराम दिवस है। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व को मनाओ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन बड़े प्रेम से सेवा करो, माता लक्ष्मी की आराधना कुबेर बाबा का नाम लेकर करिए। दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए, लगाइए, स्मरण करिए, बाबा से माता लक्ष्मी से झोली पसार पसार प्रणाम करिए, विनय करिए, माँ सबके भंडार भरे, ये भाव रखिए सबके भंडार। कार्तिक का महीना है, सुंदर आनंद से दामोदर मास में आप और हम पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराम की ओर ले रहे हैं। बड़े भाव से आज कथा यहाँ विराम ले रही है, 3 दिवसीय कथा यहाँ विराम ले रही है। 4 तारीख से दीपावली के बाद 4 नवंबर से 8 नवंबर IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में खूब प्रेम से कथा सुनेंगे। फरीदाबाद हरियाणा वालों भाग जा गए आपके कि दीपावली के तुरंत बाद देव दीपावली शिव पुराण की कथा में अपन सब आनंद पाए, देव दीपावली की कथा का अस्तित्व लेंगे और बहुत प्रेम से कथा का अस्तित्व धारण करेंगे। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड रूपपुर कृपा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कथा का लाभ लेंगे। 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सतुआ बाबा गौशाला डोमरी